जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि 2024 में भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों लाल किला किसका होगा। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राहुल गांधी पे और श्री नरेंद्र मोदी जी पे। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। दोस्तों बहुत दिनों से आप लोगों ने सुना होगा कि 2024 में चुनाव होगा। दोस्तों आप लोगों के अंदर एक सवाल पैदा होता होगा, आखिर अबर चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी। दोस्तों यह बहुत ही सोचनीय वाला एक सवाल है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राहुल गांधी भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों उनको आप लोगों को पता है कि उनको एक नाम है जो कि दोस्तों पप्पू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कभी कभी भाषण में देते हैं कि आटा ऐसे लीटर है, 10 रुपये लीटर है। उनको ये भी पता नहीं है कि आटा लीटर में बिकता है या फिर किलो में बिकता है। बहुत ही विडंबना की बात है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ऐसे बने तो भारत की स्थिति क्या होगी, एक सोचने वाली बात है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि 2014 से अपना सत्ता बनाए हुए हैं और अभी तक वो हैं उपस्थित, और लगता है कि दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगा और हमारे नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनकर लाल किला में आएंगे। और दोस्तों हमको लगता है कि राहुल गांधी का हार होगा, क्योंकि जितने भी जनता है वो बीजेपी का सपोर्ट करता है और वक्त जाने क्या होगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा नेता रहे हैं और दोस्तों बहुत ही अच्छा काम किए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरा विश्व में, पूरा वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छा नेता बनकर उभरे हैं और विश्व गुरु बनने वाले हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिलना बहुत ही कठिन की बात है, ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। हम हिंदुस्तानियों का सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक प्रधानमंत्री मिला। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2024 में चुनाव होगा, जो कि दोस्तों 10 मार्च के बाद से चुनाव होगा और 7 से 8 के चरण में होगा। दोस्तों बहुत खुशहाल की बात है कि 10 मार्च के बाद से चुनाव होगा और अपने अपने अनुसार लोग वोट देंगे। दोस्तों देखा जाए तो सभी नेता एक संगठन बना लिए हैं, मोदी जी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एक मजबूत संगठन बना लिए हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि यदि आप अच्छा काम किए हैं और करेंगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, चाहे आप जितना भी संगठन अच्छा बना ले। दोस्तों आप लोगों को पता है कि बिहार के नीतीश कुमार जो कि पहले थे लालू यादव की तरफ, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है कि वो बदलू नेता है, वो अभी फिलहाल आगे हैं बीजेपी की तरफ। उसी प्रकार दोस्तों जनता किसी का नहीं होता है, जनता तो काम देखता है किसका अच्छा काम होता है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही अच्छा काम किए हैं और लोगों को बताया है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि कांग्रेस बहुत ही जोर शोर से लगा है अपना जीत को हासिल करने के लिए, लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि राहुल गांधी को आप लोग देखते होंगे भाषण देते हुए, क्या क्या भाषण में बोलता है उसे खुद ही समझ में नहीं आता है और वो जनता क्या समझेगा। दोस्तों राहुल गांधी आटा को लीटर में बेचना चाहता है और पेट्रोल को किलो में। दोस्तों ऐसा नेता रहेगा तो मेरा भारत का भविष्य क्या होगा, मेरा जनता का भविष्य क्या होगा, मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो क्या देखेगा। और बहुत खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे नेता आते हैं और लगता है कि 2024 में भी हमारे बीजेपी पार्टी झंडा गाड़ेगा। और दोस्तों आप लोग किसको वोट दीजिएगा, किसको सपोर्ट कीजिएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि दोस्तों अब ऐसा स्थिति आ गया है जो कि आपको संभल के चलना है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। और दोस्तों समझिए तो बहुत खुशी की बात है वोटधारी के लिए, जो कि हम लोगों को वोट देने का अधिकार है और अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री को चुनते हैं, नेता को चुनते हैं। जय श्री राधे, वंदे मातरम।